सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग, फिर से स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस फाइनली बहुत ज्यादा टाइम बाद में लेकर आ चुका हूं माइनक्राफ्ट में आप सभी के लिए बेस्ट शेडर्स। वाओ, अगर गाइस आपका एक लो एंड डिवाइस और आपको चाहिए माइनक्राफ्ट में कोई ऐसे शेडर जो गाइस आपकी माइनक्राफ्ट की लुक को पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो टेंशन किस बात की, आज लेकर आ चुका हूं गाइस मैं माइनक्राफ्ट में आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही शेडर्स। तो बस इस वीडियो को एकदम एंड तक वॉच करते रहना और जरा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो यहाँ पर हमारा पहला शेडर निकल कर आता है, अबे यार इसका तो नाम भूल गया, इस वाले शेडर के अंदर गाइस आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके की गाइस एकदम एपिक क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो भाई सन कितना एपिक, ये फॉगी वेदर और गाइस कलर कंट्रास्ट एकदम तगड़ा देखने को आपको मिल जाएगा। और साथ ही में गाइस इस शेडर के अंदर आपको वेविंग लीव्स, वेविंग ग्रास और वेविंग फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, और वाटर की क्वालिटी गाइस आपको ऊपर से कुछ इस तरीके की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको नाइट भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगी, एकदम गाइस स्टार स्टार आपको स्काई में देखने को मिलेंगे। तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया शेडर है, इस शेडर को ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ से बढ़ते हैं हम अपने अगले शेडर की तरफ। जो यहाँ पर हमारा अगला शेडर निकल कर आता है, इसका नाम है बम्बली शेडर। इस शेडर के ग्राफिक्स देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो इस वाले शेडर के अंदर गाइस आपको ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हो कितने ज्यादा बढ़िया, और गाइस स्काई आपको एकदम रियल लाइफ वाला देखने को मिल जाएगा। और तो इसके अंदर गाइस आपको कलर कॉन्ट्रास्ट भी काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, और साथ में वेविंग ग्रास के साथ तो ये शेडर एक नंबर लगता है। और तो गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको सनसेट कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और सनसेट के साथ साथ इसके अंदर गाइस आपको सनराइज भी काफी ज्यादा तगड़ा दिखता है। और साथ ही में गाइस इसके रेनी वेदर का आपको एनिमेशन काफी ज्यादा एपिक देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया शेडर है, इसको ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले शेडर की तरफ। अब जो गाइस हमारा अगला शेडर निकल कर आता है, इसका नाम है डेक्सटन शेडर। और गाइस ये वाला शेडर भी काफी ज्यादा एपिक है। अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो आपके लो एंड डिवाइस में काफी ज्यादा लैग फ्री चलने वाला, और ग्राफिक भी इसके बहुत एपिक है। ठीक है, समझ गया। तो जैसा कि देख सकते हो गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, और साथ ही में गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको स्काई भी काफी ज्यादा एपिक देखने को मिल जाता है। और तो गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको लाइटनिंग और शैडो काफी ज्यादा प्यारी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ देख सकते हो आप केव के अंदर कितनी एपिक लग रही है शैडो। और तो गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको नाइट भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और गाइस डार्क देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको सनराइज भी काफी ज्यादा प्यारा देखने को मिल जाएगा, मतलब इससे प्यारा सनराइज गाइस मैंने आज तक किसी शेडर में नहीं देखा। वाओ, तो इस शेडर के इस सनराइज के लिए एक लाइक तो वीडियो को बनता है। और यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले शेडर की तरफ। अब जो हमारा अगला शेडर निकल कर आता है, ये गाइस आपके 1 GB रैम वाले डिवाइस में भी विदाउट लैग चलने वाले, क्योंकि इसके अंदर गाइस आपको हल्के से मॉडिफाइड ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल माइनक्राफ्ट ग्राफिक्स से, जो गाइस दिखने में काफी ज्यादा क्लासी लगते हैं, ना तो ज्यादा गाइस हाईफाई ग्राफिक्स से, मतलब एकदम गाइस आपको नॉर्मल बढ़िया से ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। और गाइस इस शेडर के अंदर वाटर का ऊपर का टेक्सचर यहाँ पर हटा दिया ताकि आपका गेम लैग फ्री चले, और गाइस अंदर से वाटर आपको एकदम वैसी सेम देखने को मिल जाएगा। और तो गाइस इस वाले शेडर के अंदर आपको सनराइज भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और सनराइज ब्यूटीफुल है तो गाइस सनसेट भी आपको इसके अंदर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगा, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ऑरेंजेस हो जाता है। तो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया शेडर था, आप इस वाले को ट्राई करना बिल्कुल मत भूल लो। और यहाँ से बढ़ते हैं अगले शेडर की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा अगला शेडर निकल कर था, ये गाइस वन ऑफ द बेस्ट शेडर होने वाला है, लास्ट शेडर है, तो आपको अच्छी बात है गाइस बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। तो गाइस इस शेडर का नाम है यूनिवर्सल शेडर। और गाइस इस शेडर के अंदर आपको ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे, एकदम गाइस आपको पिंक सा वेदर देखने को मिल जाएगा, जो गाइस देखने में काफी ज्यादा एपिक लगता है। फ्लावर का टेक्सचर इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा, और गाइस इसके अंदर आपको कलर कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन भी काफी ज्यादा मॉडरेट टाइप का देखने को मिल जाएगा। और गाइस इसके अंदर आपको सनराइज भी गाइस काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हो। और गाइस इस शेडर के अंदर आपको नाइट काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर गाइस कितनी प्यारी नाइट है, और साथ ही में गाइस डार्कनेस भी आपको काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाएगी। और गाइस इस शेडर में आपको वाटर भी कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा, पर अंदर से गाइस हल्का सा आपको वाटर के अंदर ब्लू स्टोन देखने को मिलेगी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो काफी ज्यादा गाइस बढ़िया बढ़िया आज की वीडियो में मैंने आपको शेडर दे दिया। और अगर गाइस आपको इनमें से कोई सा एक शेडर भी पसंद आया तो जल्दी से जाकर गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, और शेडर की लिंक आपको सारी की सारी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर गाइस आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो गाइस सारे के सारे शेडर्स की 10 में से रेटिंग देना मुझे कमेंट सेक्शन में मत भूलना। सो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना। अगर गाइस आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।